अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नसीरुद्दीन खादरी और आप देख रहे हैं वेब सिटी उर्दू न्यूज़। आज की अहम खबरें। मेगा हेल्थ कैंप तेलंगाना यूनियन ऑफ उर्दू जर्नलिस्ट एट उर्दू मस्कन सलाह ई मिल्लत मेमोरियल ऑडिटोरियम खिलवत चार मीनार। ये बहुत पक्के तरीके से काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं और सबके लिए मदद करने के लिए वो यहाँ पर जब से ही काम करते आ रहे हैं और हम तमाम जर्नलिस्टों के लिए बहुत से काम कर चुके हैं। तो आज क्या हो रहा है कि भाई मैंने देखा है कि कई एसोसिएशन हैं जो जॉब के जैसा और टीजीए के जैसा काम नहीं कर रहे हैं जो अब्दुल अकरम साहब काम करते हैं। तो ये मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस एसोसिएशन में मौजूद हूँ। इस वक्त मेरा भी खुद एक एसोसिएशन काम कर रहा है स्मॉल उर्दू न्यूज पेपर फेडरेशन के तौर पर। तेलंगाना स्मॉल एंड मीडियम न्यूज पेपर का भी मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए यहाँ पर हूँ कि मैं अकबर अहमद साहब, हमारे राजेंद्र साहब, मोहन यादव साहब और हमारे राजेंद्र साहब ये मिलकर इस एसोसिएशन को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत बनाए हैं और काम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सबके लिए। अभी अभी हमारे लखनऊ साहब ने ऐलान किया है कि भाई जर्नलिस्टों के वास्ते इंश्योरेंस 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस का, ये बहुत बड़ी बात है। ये कई एसोसिएशनों से मैं दे चुका हूँ लेकिन ये इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये जर्नलिस्टों के फायदे के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो काम कर रहे हैं ये काबिल तारीफ है साहब, ये बहुत बड़ा काम है। और मैं प्रणव अकरम साहब से एक बात और कहना चाहता हूँ क्योंकि आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर है, ये आरएनए की तरफ से साहब हाल ही में इस साल में छोटे स्मॉल न्यूज पेपर्स को उसमें कार्यरत कई पेपरों को डीब्लॉक कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। इसलिए उनका पुराना जो आईपीएल स्टेटमेंट सबमिट टेंगे बोलकर उनके ऊपर हजारों रुपए का उनके ऊपर बेस डाल के उनको अखबारात को बंद करने के लिए एक आरएनए की तरफ से एक बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं साहब ये लोग। तो मैं लखनऊ साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि आपका यहां से लेकर दिल्ली तक आपका बॉर्डर है काम कर चुके हैं और आप वहां तक ये काम के लिए बहुत परफेक्ट आदमी है। तो आप ये छोटे अखबार के लिए, क्योंकि इतना बड़े बड़े आरएनए वाले इतना चालान लक्ष्मण साहब, रमना साहब और हमारे राजेंद्र साहब और हमारे मोहन यादव साहब, हमारे हसीना मैडम साहब और दूसरे हमारे स्टेट के और सिटी के जो भी मेहमान है, हमारे जो पदेदार है और तमाम साहबियां हैं, मैं मोहम्मद इश्कुद्दीन खादरी, अभी इस वक्त मैं देखिए मेरा 70 इयर्स मेरी एज चल रही है। मैं जर्नलिस्ट की लाइन में 1968 से मैं इस जर्नलिस्ट लाइन में हूँ, तकरीबन 55 इयर्स के करीब हो गया, ये 70 एज हो गई करीब करीब। तो मैंने देखा है कई एसोसिएशनों से भी मैं काम कर चुका हूँ और मैं तकरीबन एनयूजे से भी, जो मैं समझता हूँ हरियाणा में जो मीटिंग हुई थी 2010 की बात है, उस वक्त भी मैं वहां पर आया हुआ था और मैं 2010 से यूनेजी का एनयूजी का भी मेंबर था और मैं जॉब का भी मेंबर था और आज भी मेंबर हूँ, ऐसा नहीं है। आप जब भी साहब बुलाते मैं आप बराबर यहाँ पर हाजिर होता हूँ। तो ये एसोसिएशन जो काम कर रहा है, मैंने देखा है काफी एसोसिएशन काम जनवी के जाने से लेटर देके आरएनए से उनका जो भी ताबड़ते चालाना थे माफ करने लगाई है। तो ये बहुत बड़ा काम रहेगा साहब, ये बहुत बड़ी बात है।
ये जब भी हम लोग ये काम करते हैं आपके तरफ आपका हम बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। అది కోవిడ్ ఉన్న ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఇచ్చారు టిల్ సెప్టెంబర్ వరకు కూడా ఇచ్చారు 2020లో. చేయాల్సిన బాధ్యత అది తప్పనిసరిగా ఉంది, కానీ చేయకపోవడం అనేది మనదే తప్పు. దానివల్ల కూడా చేశారు, అంతకుముందు 500 రూపీస్ పెనాల్టీ ఉంటుండే. ఫ్రీలాన్స్ కి అప్లై కరోగే జిస్కే 2004 సే మేరే పాస్ ఆప్ కరీబ్ 17-18 సాల్ సే 20 సాల్ కే కరీబ్ కార్డ్ అక్రిడిటేషన్ కార్డ్ వో డిఎస్ జగన్ డైరెక్టర్ వాస్ యాంగ్ మేడం.